तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे, बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, एक आता है एक पार्टिकल मूव इन अ सर्कल। तो चलो, एक पार्टिकल अगर सर्कल पे चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, और एक पार्टिकल इस सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द पार्टिकल मूविंग इन सर्कल। आप मास एम लेट एस कंसिडर, दिस इज द रेडियस आर। अब उस पार्टिकल के साथ क्या दिक्कत है? रेडियस तो कॉन्स्टेंट है, सेंटीपिटल एक्सलेशन उसका कांस्टेंट नहीं है, सेंटीपिटल एक्सलेशन वेरिएबल है। तो सेंटीपिटल एक्सलेशन जो है वो सम कांस्टेंट के स्क्वायर आर और टी स्क्वायर से वेरी कर रहा है। तो पावर देखो, अगर सेंटीपिटल एक्सलेशन वेरी है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी इसका अलग अलग होगा, ठीक ना। यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, और यहाँ पे कुछ अलग होगा। स्पीड या हो सकता है स्पीड वेलोसिटी तो वेरी करेगी। तो सबसे अच्छा पावर निकालने का, मैं पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट बी लगा दूं, ठीक है। तो अगर मैं एफ डॉट बी लगा देता हूं यहां पे, ठीक है ना, क्योंकि जो पावर यहां पे डेवलप होगा, जो सेंटीपिटल फोर्स का, ये जो सेंटीपिटल फोर्स है वो तो थीटा 90 डिग्री पर लगेगा वेलोसिटी के। तो पावर ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स वो तो जीरो होगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई पावर आ रहा है, टेंजेंशियल में कोई फोर्स आ रहा है, यहाँ टेंजेंशियल कोई फोर्स हो रहा है, तभी पावर यहाँ डेवलप होगा। अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो जाएगा तो डी ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि सेंटीपिटल ऑलवेज पावर डेवलप जीरो करेगा और टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं है, तो डी ऑप्शन मैच कर जाता। लेकिन ये बात मुझे पता करना पड़ेगा कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो है कि नहीं है, तो अभी मैं डी ऑप्शन को सही नहीं बोल सकता। तो चलो, सबसे पहले जब सेंटीपिटल एक्सलेशन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो एक देख लेते हैं। अगर सेंटीपिटल एक्सलेशन इतना है तो इससे मैं वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो सेंटीपिटल एक्सलेशन जब हमें पता है, तो सेंटीपिटल एक्सलेशन ए होता है वो बी स्क्वायर ओवर आर होता है। तो यहाँ से जो सेंटीपिटल एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी इतना पड़ा। अब जो एक्सलेशन जो स्पीड आ जाएगा, दैट इज के आर टी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया बच्चों, तो इस केस में क्या है कि टेंजेंशियल जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जो पावर डेवलप होगा वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से डेवलप होगा, तो डी ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से अब हमें टेंजेंशियल फोर्स ही निकाल लेते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स के लिए टेंजेंशियल एक्सलेशन इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी निकाल लेते हैं। तो इसका एक बार डेरिवेटिव ले लूँ, तो डी ओवर डी टी इज इक्वल टू सम के आर टी। तो टाइव इसका मतलब ये जो है के आर, मतलब टेंजेंशियल एक्सलेशन जो है के आर है, जो कि मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट आ रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, सिर्फ मैं टेंजेंशियल एक्सलेशन और उसकी फोर्स की बात करूंगा, तो टेंजेंशियल जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सलेशन मास और मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल एक्सलेशन। तो मास एम टेंजेंशियल एक्सलेशन के आर, दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स। तो ये टेंजेंशियल फोर्स आ गया, और टेंजेंशियल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले ही निकाले थे ऊपर, देखो के आर टी, यहाँ से आ जाएगा के आर टी, जो कि ये भी चेंज हो रहा है। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो कितना पावर डेवलप करेगा? तो पावर डेवलप इज इक्वल टू एफ डॉट बी कॉस जीरो, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे टेंजेंशियल, तो याद आएगा एम के आर यहाँ से, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से के आर टी। तो यहाँ से आ जाएगा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। तो देख लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम के स्क्वायर टी स्क्वायर तुम देखोगे यहाँ प्यारे बच्चों, तो बी ऑप्शन सही हो जाता। अगर यहीं पे पूछता फाइंड द पावर डेवलप बाय द सेंटीपिटल एक्सलेशन, दैट इज मस्ट बी जीरो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।